करना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें कि केसी इज अफेक्टेड ओनली बाय टेम्परेचर। अब क्या इफेक्ट होता है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिएक्शन पे। अगर रिएक्शन टाइप है एंडोथर्मिक, सपोज रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक अगर है, तो तुम्हें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे फेवर होती है, याद है कि नहीं? हाई टेम्परेचर पे वो कहाँ जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा। ये पता है एग्जाम्पल कैसे आएगा दिमाग? कोई एग्जाम्पल देखे हिमांशु जल्दी से, कोई एग्जाम्पल जिससे तरफ गया। हाँ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा फेवर होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का कोई भी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे, बॉइलिंग वाटर या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट कब करेगी? जब तुम तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आइस मेल्ट करती जाएगी, या वाटर कब बॉइल करेगा? टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वाटर जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट करेगा और बॉइल हो जाएगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बहुत सिंपल एग्जांपल है, फिजिकल प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, के बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएफ क्या होगा? बढ़ेगा। और केएफ बढ़ेगा तो केसी होता है केएफ बाय केबी, याद है कि नहीं? ये बढ़ेगा कम होगा? ये बढ़ जाएगा तो केसी बढ़ जाएगा। क्या ये समझ आ गया? तो के टेम्परेचर बढ़ाने से केएफ बढ़ेगा, याद ना? केबी भी बढ़ रहा है, केएफ भी बढ़ रहा है, ज्यादा क्या बढ़ रहा है? केएफ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, वेदर इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ज्यादा कौन सी बढ़ेगी इसमें? केएफ। केएफ विल इंक्रीज मोर देन केबी, सो नेट केसी विल इंक्रीज। और अगर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? केएफ कम हो जाएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी ना रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएफ कम होगा तो केसी क्या हो जाएगा? क्या ये समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं बिल्कुल, सही ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। और ये मैंने अभी एक फैक्ट बता दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसको हम एक रिलेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, वो रिलेशन मैं शायद पहले भी बता दूंगा तुम्हें। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? लॉग K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 R, 1/T1 - 1/T2। क्या समझ आ गए? लॉग K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 R, 1/T1 - 1/T2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, अब ये रिलेशन भूलना नहीं है, सही ना? वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं इसको, विच गिव्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच गिव्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसी 7 इक्वेशंस होती हैं टोटल, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो मैंने तुम्हें बताई हुई है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी एज वेल एज वेपर प्रेशर, वो बता रखी है। ऐसी अरहेनियस इक्वेशन भी होती है, और भी इक्वेशंस है ऐसी जो अभी आगे भी आएंगी, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ही आएंगी इक्वेशंस ये। तो ये तो याद कर लेना, डेल्टा चेंज एंथैल्पी चेंज है, T1 टेम्परेचर 1 है जिसपे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर 2 है जिसपे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और R तुम्हें बताइए गैस कांस्टेंट है। तीन वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, 8.314 वाली जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, और R की वैल्यू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग R की वैल्यू यूज कर। तो ये हो गया, ये है वेंट हॉफ इक्वेशन। तो क्या तुम्हें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किसका इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज। हाँ, तुम अगर रिएक्शन का टाइप ही चेंज कर दो, रिएक्शन का नेचर ही चेंज कर दो, रिएक्शन को रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी ना, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे चेंज होगा? वो आगे वाले स्टेप्स में लगेगा। पहला पॉइंट समझ आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ केसी में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड ओनली बाय टेंपरेचर नॉट बाय प्रेशर और कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो केसी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेंपरेचर बढ़ाएंगे केसी कम हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करना आगे। सेकंड सेकंड पॉइंट, अगर मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, सपोज मैं गैशियस रिएक्शन ले रहा हूं, मैं सी कार्बन को गैशियस फॉर्म में ले रहा हूं, तुम चाहो तो उसको सॉलिड में जो जिस फॉर्म में होता है उसमें भी ले सकते हो, ये कोई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। इसका केसी तुम्हें पता क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर कार्बन में सॉलिड फॉर्म में लेता तो कार्बन सॉलिड नीचे नहीं आता, पता है ना?
कार्बन सॉलिड तब नीचे नहीं आएगा, सीओ टू बाई सी इंटू ओ टू ये आ गया। अगर मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय टू किया तो नया केसी क्या होगा, क्या ये समझ आ गया सबको? न्यू केसी विल बी, नाउ केसी डैश विल बी सीओ टू का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर इंटू ओ टू का स्क्वायर, तो ये टोटल होल स्क्वायर ही हो गया ना एक तरह से, इसी का स्क्वायर तो हो गया, तो ये हो जाएगा केसी का स्क्वायर, समझ आ गया कि नहीं? तो इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय टू द न्यू केसी इज स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस वन, मल्टीप्लाई बाय थ्री देन क्यूब ऑफ द प्रीवियस वन, मल्टीप्लाई बाय फोर फोर्थ पावर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे तो एनथ पावर आ जाएगा, एनथ पावर आ जाएगा, क्या कोई डाउट तो नहीं है इसमें? केसी रेस टू एन आ जाएगा सीधा, है ना? और अगर आप ऐसे ही तीसरा पॉइंट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर डिवाइड बाय टू करते तो मान लो अब मेन रिएक्शन तुम्हारी ये वाली है, मेन रिएक्शन ये वाली है तुम्हारी, और तुमने अब केसी, ये केसी डैश दे रखा है इसके लिए। अब केसी जो है वो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रूट ऑफ केसी आ रहा है, रूट ऑफ केसी डैश आ रहा है, क्या समझ आया? इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, समझ आ गया? अगर हमने डिवाइड बाय टू किया तो नया केसी जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ प्रीवियस हो जाएगा, नया केसी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द प्रीवियस वन, डिवाइड बाय थ्री किया तो क्यूब रूट, डिवाइड बाय फोर किया तो फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एनथ रूट, क्या समझ आ गया? तो डिवाइड बाय टू देन केसी डैश क्या हो जाएगा रूट ऑफ केसी, और अगर डिवाइड बाय एन किया तो केसी की पावर वन बाय एन, केसी की पावर क्या आ जाएगा वन बाय एन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अगर मैंने एक ही रिएक्शन को दो स्टेप में लिख दिया या एन स्टेप में लिख दिया, मान लो सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, सही ना, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, यही रिएक्शन सबसे सिंपल है, इसके थ्रू आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सी ओ टू बाय सी इंटू ओ टू आएगा। अब इस रिएक्शन को मैं दो स्टेप पे लिख रहा हूँ, सी प्लस हाफ ओ टू क्या बना सी ओ गैशियस में, इसका केसी जो है केवन, मान लो केवन क्या होगा सी ओ डिवाइड बाय सी इंटू ओ टू की पावर हाफ, और ऐसे ही अगला स्टेप सी ओ प्लस हाफ ओ टू ये सी ओ टू आया। अब के टू उसका मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या आ जाएगा सी ओ टू बाय में ओ टू की पावर हाफ, ओ टू की पावर हाफ, तो क्या आ जाएगा केसी क्या आ जाएगा, के वन इंटू के टू करो, आ रहा है कि नहीं है, केसी क्या आएगा के वन इंटू के टू, केसी क्या आ जाएगा के वन इंटू के टू, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो केसी आ जाएगा के वन इंटू के टू। नेक्स्ट, और अगर तीन स्टेप में लिखते तो के टू इंटू के थ्री, चार स्टेप में इंटू के फोर, एन स्टेप में के वन इंटू के टू टिल के एन तक आ जाएगा। नेक्स्ट नोट लिए, इसमें सिंपल मैथ्स है, समझ आ रहा है कि दिया, समझ आ रहा है तुम्हें, सिंपल मैथ्स है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, है ना? अब अगर मैंने रिएक्शन को डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू कह रहा हूँ, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, फिफ्थ पॉइंट, रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो केसी इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, केसी इनवर्स उल्टा हो जाएगा ना। अब अगर मैंने रिएक्शन को ऐसे लिख दिया सीओ टू गिव सी प्लस ओ टू, पीछे जो रिएक्शन थी उसको रिवर्स कर दिया, तो केसी डैश क्या हो रहा है सी इंटू ओ टू, प्रोडक्ट में रिएक्टेंस होता है, तो ये वन बाय केसी आ गया कि नहीं, रिएक्शन रिवर्स देन केसी इनवर्स, है ना, रिएक्शन रिवर्स देन केसी इनवर्स, फिर हो रहा है कि नहीं है, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो केसी इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, केसी प्रिडिक्ट्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, केसी क्या प्रिडिक्ट करता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केसी प्रिडिक्ट्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है और कितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है, ये इसके बारे में बताता है, केसी क्या प्रिडिक्ट करता है रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, कितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है। मान लो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है या ग्रेटर देन वन है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा है कि नहीं, केसी तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट होता है, तो केसी प्रोडक्ट क्या होंगे ग्रेटर ज्यादा होंगे देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज्यादा है यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई हुई है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया, जैसे इसका आंसर देना है, मान लो एक टर्म है ये यही लेते हैं, सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, इसमें तुमने लिखा के सी,
केसी कब डिफाइन होता है? जब रिएक्शन कहाँ होती है? इक्विलिब्रियम में। ये केसी होता है ना, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, देन केसी इज डिफाइंड, तब केसी को डिफाइन करते हैं। कोई और कंडीशन होगी या कोई और इंस्टेंट होगा तो सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन इसको हम केसी नहीं बोलेंगे। ये किसी क्यूसी जो लिखा मैंने, ये कंसेंट्रेशन क्वेश्चन, मैंने तुम्हें ये थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। जाना फॉर्मूला कहाँ आया था बोल एक बार, पर कहाँ पे आया था फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलू इसी जिसमें क्यूसी आता है, थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ाया हुआ है उसमें क्यूसी आता है, बोला नहीं बीच में भी किसी को। तू बोल मैं देख रहा पीछे, इसलिए कह रहा हूँ तू पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। तो आयुष बोल, नहीं तू बोल आदित्य, पढ़ी नहीं बोलो दीदी। ये डेल्टा जी जो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग। नहीं, तू जी बोल रहा था इसलिए गलत बोला, डेल्टा जी है वो, मैंने डेल्टा जी समझा कि नहीं, तो बात समझ नहीं है। आयुष का सही था लेकिन इसलिए डेल्टा जी लगाना जरूरी है उसमें। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, ये फॉर्मूला था ना वो। क्यू क्या था? कंसंट्रेशन क्वेश्चन। और जैसे ही अगर मैं इक्विलिब्रियम बोलता हूँ तो डेल्टा जी को क्या करते हो? जीरो। और क्यू क्या बन जाता है? केस। याद आ गया कि नहीं है? तो क्यूसी क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है कि उसके अलावा किसी पॉइंट, उसके अलावा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद भी। जब इक्विलिब्रियम है तो ही केसी डिफाइंड है, नहीं तो क्या डिफाइंड है? क्यूसी। और अगर क्यूसी ग्रेटर देन वन है, पहला क्यूसी ग्रेटर देन केसी है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड की बैकवर्ड, प्रोडक्ट ज्यादा है ना तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। और क्यूसी अगर लेस देन केसी है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन, और इक्वल अगर है तो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं है? जैसे एक एग्जांपल मान लो, केसी दे रखा है तुम्हें 50, क्यूसी की वैल्यू आई 20, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी टू अचीव इक्विलिब्रियम? क्यूसी को 20 से 50 होना है ना, 20 से 50 कब होगा? जब प्रोडक्ट ज्यादा मिले, प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं ना, ये क्या है? प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो तुम्हें अब प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा ना 20 से 50 करने के लिए। प्रोडक्ट कैसे बढ़ेंगे जब रिएक्शन कहाँ जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान रखना 20 से 50 जाना, वैसे भी 20 से 50 जाना तो आगे जाओगे 20 से होगे आगे, बात समझ गए कि नहीं? और ऐसे ही अगर क्यूसी की वैल्यू दे दी मैंने 80, अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन, टू अचीव। क्या समझ आ गए? तो उसको डायरेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट वो करना है, एक क्वेश्चन लिख लेंगे छोटा सा इससे रिलेटेड। मान लो कॉपर सॉलिड प्लस से 2 Ag+ गिव्स कॉपर 2+ प्लस 2 Ag। यहाँ पे मैं AgNO3 भी ले सकता था, मैंने आयन की फॉर्म में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्रेट आयन दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉपर के साथ भी नाइट्रेट आयन आएंगे और Ag+ के साथ भी नाइट्रेट आयन आएंगे। सपोज मैंने तुम्हें यहाँ पे कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन दिया 10^-5 मोलर, ठीक है, 10^-5 मोलर, और Ag+ का कंसंट्रेशन दिया 10^-3 मोलर, ठीक है ना, 10^-3 मोलर, और QC दिया मैंने 10^-3, मतलब इसको एक काम करो, इसको लिख दो 10^-15 और इसको 10^-9, 10^-9, समझ गए कि नहीं है? इसमें भी ज्यादा हो जाएगा, चलो इसमें 10^-9 मत लिखो, 10^-6 लिख दो उसको, 10^-6, सही ना। और अब मैंने तुमसे बोला क्यूसी की वैल्यू दे रखी है, क्यूसी नहीं केसी, केसी की वैल्यू दे रखी है से 10^-7, 10^-7 मैंने बोला किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी टू अचीव इक्विलिब्रियम, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन शुड प्रोसीड टू इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। बैकवर्ड। देखो इसमें केसी दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, तुम क्या निकालोगे? क्यूसी निकालोगे, क्यूसी क्या होगा? ये किसी, ये जो कंसंट्रेशन दे रखा है और ये जो कंसंट्रेशन दे रखा है, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, नहीं तो मैं केसी नहीं देता। तो अगर है भी तो हम चेक कर लेंगे इसको, किससे चेक करेंगे? क्यूसी से। क्यूसी कैसे इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, क्यूसी
क्यूसी की वैल्यू कितनी आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का स्क्वायर। और प्योर सॉलिड को लेंगे क्या, प्योर सॉलिड तो वन होता है ना, तो क्या आ जाएगा कॉपर टू प्लस कितना है 10^-15, वो 10^-12 हो जाएगा, 10^-3 आया। क्यूसी क्या है, ग्रेटर देन केसी, ये ग्रेटर देन 10^-7 है कि नहीं, तो इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिया, और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो अब नेक्स्ट नोट करना आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल में भी कोई नहीं करा रहा, वो करेंगे आगे से ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यही नोट करो, यही चल रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सही ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल में अचीव नहीं होता, जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करें। तो इसमें जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, ये दो तरीके से इफेक्ट कर सकती है, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ये इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, याद है किसी को कि नहीं, कैटलिस्ट क्या करता था, इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आता था, इक्विलिब्रियम सिर्फ जल्दी लेके आता था, अदरवाइज कोई ऑल्टर नहीं करेगा, केसी को तो बिल्कुल ऑल्टर नहीं, ऑल्टर नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आएगा, याद है ना, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन रेट, याद है कि नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन, ये तीन, और इन तीनों को डिस्कस करेंगे अंडर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन पेपर में जरूर आती है, लीच एटियर्स प्रिंसिपल, अंडर लीच एटियर्स प्रिंसिपल इसके अंडर स्टडी करेंगे अब, क्या टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन। टेम्परेचर कब आया था, खड़ा हो जाना फिर, ये मैंने क्या पढ़ाया पहला टॉपिक, ना तूने सुनाया मेरे को, मैंने बोला सुना दिया तू मेरे को लास्ट में, नहीं तू तू लेट क्यों करता है, तू जब तेरा पेपर होगा तो तू पेपर अगले दिन देगा जाके, तू इतनी बार बोलती है, तू एक बार भी सुना नहीं पाता, तू और तेरे बोला तू 50 बार बोल मन में टॉपिक को, फिर बोलता नहीं तू बिल्कुल भी, क्लास में सुन रहा, क्लास में याद कर, मैं लेक्चर में पहले से करके रख, फिर तू कर, कोई चैप्टर नहीं किया तूने ऐसे कि पहले से करके रखे फिर तू करे उसके आगे। चलो ये अभी यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 पॉइंट्स करने हैं इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ याद करते रहे ना साथ साथ इसको, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, और बाकी तीन टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन किसके अंदर आएंगे, लीच एटियर प्रिंसिपल के, नहीं लीच एटियर प्रिंसिपल के अंदर। तो पहला स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर हम, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, नोट कर याद कर लिया ना पांचवे, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, इनर्ट गैस किसको मानोगे, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के अंदर है उससे रिएक्ट ना करे, इनर्ट गैसेस तो मानेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के अंदर है उनसे रिएक्ट ना करें, नॉवल गैसेस तो है ही है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, वो तो है ही है, उसके अलावा भी है, उसके अलावा जैसे N2 गैस, N2 गैस भी तो इनर्ट होती है ना, एन ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटता नहीं है उसका भी, वो भी इनर्ट है, तो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, तो इसमें इनर्ट गैस का एडिशन स्टडी करेंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको दिमाग में ऐसे ही मत रख ले, एक एग्जाम्पल जो सबसे ईजी एग्जाम्पल है कौन सी, PCl5 gives PCl3 plus Cl, ये सबसे इजी एग्जांपल है, जिसमें मैंने क्या अज्यूम किया है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स क्या हैं ज्यादा और रिएक्टेंट के मोल क्या हैं कम, इसमें केसी क्या होगा, PCl3 into Cl2 डिवाइड बाय PCl5, ये होगा, ऊपर दो कंसंट्रेशन वाली टर्म है, नीचे एक कंसंट्रेशन वाली टर्म। अब मान लो मैंने इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कुछ बाहर से डाल दिया जो इन तीनों से रिएक्ट नहीं करता, जैसे मैंने इधर N2 गैस डाल दी, इनर्ट होगी कि नहीं, ना तो N2 PCl5 से रिएक्ट करेगा, ना PCl3 से, ना ही Cl2 से, Cl2 से करेगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो इस रिएक्शन के लिए N2 इनर्ट है। N2 डाल दो, हीलियम डाल दो, नियोन डाल दो, आर्गन, कोई भी एक गैस डाल दी जो कि इनर्ट है और इनसे रिएक्ट नहीं करती, जो कि इनर्ट है और इनसे रिएक्ट नहीं करेगी,
रिएक्टेंट से ना ही प्रोडक्ट्स। तो अब जब मैंने N2 गैस डाली इसके अंदर, तो क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन कोई चीज अगर एक्स्ट्रा आएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ेगा, वो भी कुछ जगह लेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ गया, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसेशन कम हो जाएगा, लेकिन इधर मैंने कंडीशन क्या मानी है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। तो कंसंट्रेशन टर्म होती है नंबर मोल में वॉल्यूम, यही है ना कंसंट्रेशन टर्म। ये एक, ये क्या है कंसंट्रेशन टर्म, नंबर मोल्स में वॉल्यूम। नंबर मोल पे इनके कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करेगी। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट मान रखा है, जैसे क्लोज वेसल ले लिया उसी में डाल दिया, सही ना? वॉल्यूम ऑलरेडी कॉन्स्टेंट मान रखा है, तो जब कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या किसी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसे क्या कहेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट। बिना सोचे समझे याद कर लो इसी, समझ आ गया कि नहीं है? क्योंकि कंसंट्रेशन में दो टर्म्स आती है, नंबर मोल्स और वॉल्यूम, उन दोनों पे कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझ आ गया कि नहीं है? तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सही? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना? वो टर्म इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस एट, इस पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की, क्या होगा इस पे? क्या कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड की तो वॉल्यूम, तो अब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है ना, नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि जो भी इनर्ट गैस डाली है वो इनसे रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं, कोई चीज डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो गया। ऊपर कितनी चीजें कम हो रही है, दो चीजें ऊपर, दो कंसंट्रेशन के टर्म्स है ना, ऊपर कितने कंसंट्रेशन टर्म, एक एटम है, एक एटम, ऊपर दो चीजें कम हो रही है, नीचे एक चीज कम हो रही है, तो नेट केसी क्या करना चाहेगा, डिक्रीज। क्या ये बात समझ आ गई? जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ये क्या कर रहे हैं हम, ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं चाहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी पे कोई फर्क पड़ना है इससे? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं ना इसको, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो क्या केसी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो केसी अपनी, जैसे मान लो केसी की वैल्यू 50 थी, तुमने जैसे ही इनर्ट गैस डाला कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, केसी की वैल्यू कम होने लगी, केसी की वैल्यू कम होने लगी। अब वो अपनी वैल्यू को रिटेन करने के लिए, केसी तो चेंज करेगा नहीं, वो अपनी वैल्यू को रिटेन करने के लिए क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगा। क्योंकि अब जब इसको अपनी वैल्यू रिटेन करनी है तो क्या करना है, बढ़ाना है, इन दोनों टर्म को बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाने वाली डायरेक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या क्लियर हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन जाएगी, समझ आ गया कि नहीं है? तो इसको भूलना नहीं है कि केसी जो है, केसी जो है अपनी वैल्यू कांस्टेंट रखता है, इसलिए, इसलिए क्या होगा, उसको रिटेन करने के लिए रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। ये मत करना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये गलती कर जाओगे यहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं करना है यार। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की तो रिएक्शन कहाँ आती है, टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसेस में, टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसेस में। क्या याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मत करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसेस में। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेशर, सही है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमने कोई चीज डाली, नंबर मोल पे रिएक्टेंट्स के और प्रोड्यूस के कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि हम इनर्ट चीज डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर मोल पे फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट तो केसी पे नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डाला, अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डाला नंबर मोल पे, नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हुआ, सिर्फ ये लाइन ट्रू है यहाँ तक। अब चेक करो ऊपर कितनी चीजें कम हो रही है, नीचे कितनी चीजें कम हो रही है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ऊपर दो चीजें कम हो रही है, नीचे एक चीज कम हो रही है, मान लो नीचे तीन चीज कम हो रही है, तब कैसी क्या होता, बढ़ता, तब वो बढ़ता है केसी, समझ गए नहीं? अभी ऊपर दो चीजें कम हो रही है, नीचे एक चीज कम हो रही है, तो नेट केसी डिक्रीज करना चाहेगा, लेकिन केसी होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, इसलिए, इसलिए क्या होगा, अपनी वैल्यू को रिटेन करने के लिए रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसेस। क्या याद रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन याद कर लिया तो गलत कर जाओगे फिर, पता ना क्यों? वो तो मैंने एक रिएक्शन लिया ना, मान लो मैं रिएक्शन ये ले लेता 3A गिव्स बी,
गैशियस रिएक्शन 3A+B, तब आंसर क्या तुम यही बोलते? अब केसी जो होता वो होता बी अपॉन में ए का क्यूब। अब कंसंट्रेशन ऊपर एक कम हो रहा है, नीचे कितने कम हो रहे हैं? 3। तो नेट केसी क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू कम करनी है हमें। कम कैसे होगी? जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने तो रिएक्शन का दिखा जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ गैसियस मोल। गैसियस मोल कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये समझ आ गया पूरा? कोई डाउट तो नहीं है? मैं कौन बोल देगा इसको? ये प्रियंका बोलेगी। प्रियंका बोलो, जल्दी से बोल दो उसको। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर यूनिट गैस ऐड की तो क्या होगा? कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? कंसंट्रेशन के बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोला। हाँ, पड़ेगा वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कोई चीज डाल रहे हैं, कोई चीज डाल रहे हैं वो जगह लेगी ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। फिर हाँ, कैसी वैल्यू कम होगी तो अपनी वैल्यू रिटेन करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स लार्ज नंबर। सही किया है, 10% हो, थोड़ा सा गलत गलत कर रहे अभी। जैसे अब तू हर चीज तू बोल पाएगा ये? बोल। अब हर चीज को डिफरेंस समझ आ रहा है? देख, एक चीज होती है कि मैं अगर लो हूं, मैं एवरेज हूं अगर, तो मैं ज्यादा पढ़ूंगा ना घर पे, ताकि बराबर। अभी प्रियंका ने बोला ना तेरे सामने, उसे सारा बोल दिया ऑलमोस्ट एज इट इज रिकॉल कर, तो तू क्यों नहीं कर पा रहा रिकॉल? तू क्या सोचता कभी ये चीज सोच रहा है इसको कि तू क्यों नहीं बोल पा रहा क्लास के अंदर? मैं तभी तो बोलता हूँ अगर मैं किसी के नॉर्मल बच्चे को कर रहा हूँ 5 बार करके, तो 10 बार कर कम से कम। अगर कुछ करना है ना तो मेरी बात मान ले अभी दोबारा। कौन बोलेगा? दिव्यांश तू बोल। डैश में कॉन्टेंट बोलता क्या बोल रहा है? देख, घबराएगा कुछ नहीं बोल पाएगा, सोच समझ के तरीके से बोल। घबरा मत, सिंपल से ना, रिएक्शन हो रही है, वैसा लाइव पूरा इनर्ट गैस जा रहा है, कौन सा बोल रहा है? अब सही है आदित्य, अगर तेरी आवाज आई तो देख मैं काम करने वाला हूँ। बोल दे। हाँ, तू नहीं बोलता बात, नहीं कंफ्यूज होगा, बोलो दिया। पहले तो इनर्ट गैस अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन एन बाय बी, तो नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम नंबर कांस्टेंट क्यों रखते क्यों हैं, फर्क नहीं पड़ेगा? प्रो बोलते हो, बिल्कुल क्योंकि वो इनर्ट गैस में आ सही। रहा है आगे बोलो, तो आगे बोलो। सही, सी पे कोई फर्क नहीं, केसी पे कोई फर्क ये तो खत्म है, ये वाली नहीं। रहता मेन बताना, कांस्टेंट प्रेशर वाला। टेस्ट पे ऐड करने हैं कंसंट्रेशन पे तो नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वॉल्यूम हो जाएगी इंक्रीज, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, केसी की वैल्यू तो केसी की वैल्यू डिक्रीज होना चाहेगी ना, वैसे डिक्रीज तो नहीं होगी ना, क्योंकि चाहिए। हम हाँ वो रिटेन कर लेंगे अपनी वैल्यू वो बढ़ा चल, के प्रोडक्ट टुवर्ड्स अब इसीलिए बढ़ा के रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स वहां पे जहाँ पे, लार्जर हाँ नंबर। जहाँ पे मोस्ट ज्यादा। क्या ये समझ आ गया? अब अगली लाइन कुछ भी ना समझ आया हो, सिर्फ क्या याद करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, ये बोल रहा हूँ मैं, नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। और कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ मोल, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल जा रहा है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में जा रहा है तो बैकवर्ड जाएगी। बस यही याद करना तुम्हें मेन, और गैसियस देखना जरूर, ये ना हो तुम सॉलिड लिक्विड चेक कर रहे हो। क्या समझ आ गई बात की? नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या इफेक्ट होगा। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि इक्विलिब्रियम चैप्टर से ना 7 क्वेश्चन आने ही आने, आयनिक और केमिकल को मिलाकर के, और श्योर था फॉर, जैसे वेस्पर थ्योरी श्योर है, K2Cr2 KNO4 श्योर है, क्वेश्चन आने ही आना है, ऐसे ये श्योर था कि लीच चक्र प्रतिपदा क्वेश्चन आएगा ही है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना था। क्या समझ आ गया यहाँ तक? पर अब हम पढ़ेंगे आगे लीच चक्र प्रिंसिपल, उसको दोबारा रिकॉल कर लो मन में। पर अब हमें पढ़ना है मेन टॉपिक क्या, लीच चक्र प्रिंसिपल, एक बार रिजॉइन कर लेना।